इसीलिए जो अखबार पहले छप के बिकते थे वो आजकल बिकने के बाद छप रहे हैं। टीवी चैनल्स हैं, इनकी क्या मजबूरी रहती है कि आपको चाह के भी सच नहीं दिखा पाती हैं। कई सारी इररेगुलरिटीज हुई थी, उसको लेके बीजेपी के अगेंस्ट में एक सीरीज चला दी थी। जब इलेक्शंस पास में आने वाले होते हैं तो जो न्यूज मीडिया है उसके दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में होते हैं। पार्टीज वगैरह होती हैं, इनके झंडे टोपी ये सब दिखाने के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। पंजाब में तो ये केस और भी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि जिस चैनल को सीएम के बेटे ओन करते थे उसी चैनल को पंजाब की जो गवर्नमेंट थी वो सरकारी एड भी देती थी। जितने भी डिफेमेशन के केस ये लोग करते हैं सब गुजरात के अंदर से करते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में गुजरात एक ऐसी जगह है। जैसे 2019 का इलेक्शन जब पास आने वाला था तब प्रिंट मीडिया को जो गवर्नमेंट एड से पैसे मिलते थे उसको डायरेक्ट 25% बढ़ा दिया था। और इस पूरे खेल में जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है वो सबसे एक कदम आगे है। देखिए, आज की डेट में हम कहते हैं कि न्यूज मीडिया जो है वो बिक चुका है, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा है। पैसा तो हर गवर्नमेंट और हर पॉलिटिकल पार्टी के पास है। तो सिर्फ पैसे की बात होती तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने न्यूज चैनल होते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि न्यूज एंकर जो होते हैं उनको गाली दे के बात खत्म कर देते हैं, लेकिन ये लोग तो बस एम्प्लॉयज हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं है। असली गेम तो कुछ और है, जिनके बारे में कभी बात नहीं होती, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करें। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए इसका पूरा स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। मेनली जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास फ्लोट होती है वो न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और न्यूज़ एजेंसीज जो होती है उनके थ्रू होती है। और भी कई तरीके हैं, जैसे रेडियो, मैगजीन, सोशल मीडिया, लेकिन देश का जो ओपिनियन है मेनली वो इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती हैं। अब आप ऐसे कुछ लोग कह सकते हो कि न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़ चैनल्स के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन ये न्यूज़ एजेंसीज क्या होती हैं? तो देखिए, न्यूज़ एजेंसीज जो होती हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर ऑपरेट करती हैं और न्यूज़ निकालती हैं, और उस न्यूज़ को इन न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स को बेचती हैं। यहां तक कि सरकारी न्यूज़ चैनल जो हैं जैसे डीडी न्यूज़ वगैरह, वो भी इसी न्यूज़ एजेंसी से न्यूज़ लेते हैं। न्यूज़ एजेंसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी बड़ा होता है, इनका ऑपरेशन बहुत ही बड़ा होता है। पूरे वर्ल्ड में इनके ऑफिसेज और रिपोर्टर्स होते हैं। इंडिया की न्यूज़ एजेंसी की बात करें तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, आपने एएनआई का नाम सुना होगा, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ये इंडिया की न्यूज एजेंसीज हैं। अगर मैं पीटीआई का एग्जांपल लूं तो पीटीआई की खुद की सैटेलाइट है। गवर्नमेंट से लेके द हिंदू, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब पीटीआई के सब्सक्राइबर हैं। तो ये जो न्यूज़ एजेंसीज हैं ये न्यूज़ निकालती हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को बेचती हैं। इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो गवर्नमेंट से लेके बड़े बड़े न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स हैं। तो ये जो टीवी न्यूज़ चैनल होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, ये अपने बजट के हिसाब से उतने रिपोर्टर्स रखते हैं, और बाकी की जो न्यूज़ होती है वो डायरेक्ट न्यूज़ एजेंसी से खरीद लेते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है, तो वो खबर इसी न्यूज़ एजेंसी की होती है। जैसे ये पेज द प्रिंट का है, लेकिन साइड में लिखा है पीटीआई, मतलब कि ये न्यूज़ यहां से ली गई है। आप देखते होंगे एएनआई का जो माइक है वो हर न्यूज़ फुटेज में दिखता होगा, तो एएनआई फुटेज लेके टीवी न्यूज़ चैनल्स को बेच देता है। और अभी लास्ट एक साल से पीटीआई जो है वो भी वीडियोस में आ गया, तो वो भी फुटेज वगैरह देता है। तो अगर किसी को पूरे देश के ओपिनियन पे कंट्रोल करना है तो न्यूज़ एजेंसीज, न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स, तीनों पे कंट्रोल करना होगा। ये तीनों अगर चालें तो लोगों को सरकार के सपोर्ट या फिर अपोज में खड़ा करने का दम रखती हैं, क्योंकि आम जनता जो होती है वो खुद थोड़ी लोकेशन पे जाके इन्फॉर्मेशन कंफर्म करती है, वो तो इन सब के थ्रू जो बताया जाता है वही मानती है। अब अगर ये तीनों मिलकर बैक टू बैक न्यूज़ देने लगे कि अगले क्वार्टर में इंडिया सुपर पावर हो जाएगा, तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट में आरटीआई डाल के खुद सारा डेटा नहीं कंफर्म करते हो, आप मान लेते हो। न्यूज़ मीडिया जो होती है वो किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। गवर्नमेंट का असली ऑपोजिशन जो होता है वो मीडिया ही होता है। दुनिया भर की गवर्नमेंट जब वॉर वगैरह पे जाती हैं तो सोल्जर से पहले न्यूज मीडिया को रेडी करती हैं, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि ये वॉर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम के साथ साथ न्यूज पेपर्स की खबरों को लिखने में भी चेंजेस आए हैं। पहले जो न्यूज राइटर्स को घंटों लगते थे स्क्रिप्ट लिखने में, आज की डेट में एआई और चैट जीपीटी के थ्रू वो न्यूज़ चुटकियों में लिख लेते हैं। और अगर आपको भी जानना है कि एआई और चैट जीपीटी से ये सब कैसे किया जा सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक इंडियन स्टार्टअप जो आपको इसका मास्टर बना सकता है, वो भी फ्री में। ग्रोथ स्कूल की एक 3 आवर पेड वर्कशॉप है जो ग्रोथ स्कूल के फाउंडर वैभव सिसिंथी कंडक्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये पेड वर्कशॉप है, लेकिन हमारे चैनल के फर्स्ट 1000 व्यूअर्स जो इसमें रजिस्टर करेंगे उनके लिए ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री होगी। मैंने खुद वीडियो बनाते समय इस वर्कशॉप
वर्कशॉप को अटेंड किया और मैंने प्रॉम्प्टिंग और एआई की कुछ ऐसी टेक्निक ग्रोथ स्कूल से सीखी जो सिर्फ 1% लोगों को ही पता होंगी, और आप भी ये चीज सीख सकते हैं। मैं इस वर्कशॉप को 5 out of 5 रेटिंग दूंगा। सो चाहे आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, फाउंडर, फ्रीलांसर या क्रिएटर हो, इस वर्कशॉप की लर्निंग के थ्रू आप अपनी जॉब, करियर या बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। तो जल्दी से रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार चलाया था, नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड नाम से एक न्यूज़पेपर चलाया था, ताकि वो लोगों को असलियत समझा सकें कि वो जो गरीबी में जी रहे हैं, गुलामी में हैं, वो अपनी गलतियों की वजह से नहीं है बल्कि अंग्रेजों की गलतियों की वजह से है। तभी सारे लोग एकजुट हो पाए। अगर आज की तरह उस टाइम पे अखबार ब्रिटिशर्स के हाथों बिक जाते तो बड़ी आसानी से सबको समझा दिया जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश के लिए कितनी बेनिफिशियल है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी न्यूज मीडिया को कंट्रोल कर लेती है तब वो लोगों को वो चीज भी इनडायरेक्टली समझा पाती है जो वो खुलेआम नहीं बोल सकती है। आप जो वोट देते हो किसी कैंडिडेट को, वो आप देते हो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उस कैंडिडेट के बारे में। अगर वो इन्फॉर्मेशन ही गलत हो तो आपको लग रहा है कि आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हो, लेकिन आपसे वोट डलवाया जा रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, टीवी चैनल्स हैं, इनकी क्या मजबूरी रहती है कि आपको चाह के भी सच नहीं दिखा पाती हैं। तो पहले न्यूज़पेपर की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर करीब 48 पेजेस का होता है जो ₹5 में बिकता है। इस ₹5 में से 40% यानी कि ₹2 डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसपोर्ट का होता है, न्यूज़पेपर बॉय वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा एक पेज को प्रिंट करने की कॉस्ट 25 पैसे के करीब लगती है, तो 48 पेजेस के हिसाब से ₹12 तो प्रिंटिंग के लग जाते हैं। तो अभी जो मैंने न्यूज एजेंसी के बारे में बताया था, तो उनसे न्यूज लेते हैं उसकी कॉस्ट और स्टाफ की कॉस्ट जो होती है वो करीब ₹3 के करीब पड़ती है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर ₹5 का बेचता है, अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे टोटल, तो ₹2 डिस्ट्रीब्यूटर के, ₹12 प्रिंटिंग के और ₹3 जो है वो न्यूज एजेंसी और स्टाफ के, तो ये उसको ₹17 का पड़ता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बाकी का पैसा है ये क्या अपनी जेब से भरते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है। बाकी का जो पैसा बचता है वो एक न्यूज़पेपर को एडवर्टीजमेंट से पूरा करना होता है। तो मोटा मोटी ये समझाने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर जो है अगर उसको सर्वाइव करना है तो एडवर्टीजमेंट उसके ये सब कुछ बन जाता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको सब कुछ क्यों बनाना? ₹17 लगते हैं तो आप न्यूज़पेपर को ₹20 में बेच दो और अपना प्रॉफिट बना लो। तो देखिए ऐसा भी नहीं किया जा सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जनवरी 2022 से जून 2022 तक डेली 16 लाख न्यूज़पेपर घर-घर में जाके भेजे हैं। तो अगर वो न्यूज़पेपर का दाम बढ़ा के इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो उसका सर्कुलेशन कम हो जाएगा और उनको बुरी तरीके से नुकसान होगा, और जो एडवर्टाइजर्स आते हैं वो भी नहीं आएंगे। बस एक द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो ₹10 का बिकता है, और वो इसलिए बिकता है क्योंकि उसकी एक लॉयल ऑडियंस है और यूपीएससी वगैरह की जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। इसके बाद जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो सारे कम में ही बिकते हैं। पहली चीज तो यह कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया ही कम में बेच रहा है तो बाकी न्यूज़पेपर की भी मजबूरी हो जाती है उसको कम में बेचना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा वो तो कोई और लेगा ही नहीं उसको। अब देखिए जो एडवर्टाइजर है जो पैसा देके अपना ऐड करवा रहा है न्यूज़पेपर के अंदर, वो उसी न्यूज़पेपर को प्रेफरेंस देता है जिस न्यूज़पेपर के ऑडियंस की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लिश बोलते हैं और पढ़ते हैं उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के ऐड जो होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं। और क्योंकि एडवर्टाइजर्स का फोकस जो है वो उन न्यूज़पेपर्स पे होता है जिनकी ऑडियंस की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, तो हिंदी न्यूज़पेपर हो या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, जो प्रिविलेज ऑडियंस है, जो न्यूज़पेपर खरीद के पढ़ सकती है, उसी ऑडियंस के हिसाब से न्यूज सर्व करता है। और वैसे भी ये जो ₹5 का जो न्यूज़पेपर है भले ही कम लगे, लेकिन एक गरीब मजदूर, किसान और पिछड़े इलाकों के लोगों के लिए ये ₹5 भी बहुत महंगे होते हैं। तो ऐसे केस में जो न्यूज़पेपर है ये एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी ऑडियंस गरीब लोग नहीं है बल्कि प्रिविलेज लोग हैं जो न्यूज़पेपर खरीद सकते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ होती हैं जैसे कि बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, सेलिब्रिटी गॉसिप, बिजनेस लीडर्स, ये सारी न्यूज़ जो होती हैं प्रिविलेज रीडर्स के लिए ही होती है, और देश का जो काफ़ी बड़ा गरीब तबका है वो पूरी तरीके से कट जाता है न्यूज़पेपर की खबरों से। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में 1 घंटे भी अगर बारिश हो जाए उस पर घंटों कवरेज चलती है, लेकिन छोटे छोटे गाँव अगर पूरी तरीके से भी पानी में डूब जाए तो कोई नहीं पूछता है। टाइम्स ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर होने के बाद भी उसका 2018 का जो रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ था और उसका जो प्रॉफिट था वो 681 करोड़ था। और ये जो प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ देश के इतने बड़े न्यूज़पेपर के हिसाब से काफ़ी कम है। इंडिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपर से ज्यादा तो एक बल्ब बनाने वाली कंपनी कमा लेती है, और ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि जो न्यूज़पेपर कंपनी देश के एक बड़े तबके का ओपिनियन बना रही है और उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, तो ऐसे केस में उसको कंट्रोल करना छोटे मोटे पॉलिटिशियन और बिजनेस के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये तो प्योर बिजनेस है तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट के इशारों पर ये लोग क्यों नाचते हैं?
तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी आपको समझाता हूँ मैं। अब देखिए, न्यूज़पेपर तो फिर भी काफ़ी हद तक कमा लेता है, लेकिन टीवी न्यूज़ चैनल जो है उनका तो इनसे भी बुरा हाल है। आपका जो टीवी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी वेबसाइट पर जाइएगा और न्यूज़ चैनल के जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसके रेट चेक करिएगा। आधे से ज़्यादा न्यूज़ चैनल जो हैं वो तो फ्री में चल रहे हैं और जो बाकी हैं वो 1 से 2 रुपये मंथली लेते हैं, और ये मैं दिन का नहीं बता रहा हूँ, मंथली लेते हैं 1 से 2 रुपये। वहीं स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट चैनल जो हैं वो 10 रुपये से 25 रुपये तक लेते हैं। अगर मैं व्यूअरशिप की बात करूँ तो ये देखिए, ये वीकली डेटा है। एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल जो हैं वो व्यूअरशिप में बहुत आगे हैं, इसलिए यहाँ पे भी सारा जो एडवर्टीजमेंट है वो स्पोर्ट्स चैनल और एंटरटेनमेंट चैनल के पास चला जाता है। अब देखिए, एक न्यूज़ चैनल चलाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन से इनकी कॉस्टिंग पूरी नहीं हो सकती है। और जो टीवी एडवर्टीजमेंट होते हैं वो भी व्यूअरशिप की वजह से एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल्स हैं उनके पास चले जाते हैं। और इसके बाद भी अगर एक न्यूज चैनल गरीबों के मुद्दे दिखाएगा और किसानों की बातें करेगा तो उसकी व्यूअरशिप और गिर जाती है। तो इसलिए मसाला और भूत प्रेत की जो न्यूज होती है उसको दिखा के लोग व्यूअरशिप मेंटेन करते हैं, ताकि एड्स कम से कम थोड़े बहुत तो आते रहे। अगर हम बाहर के देशों के न्यूज चैनल्स की बात करें तो वो अपनी 70% कमाई जो है वो टीवी चैनल्स के सब्सक्रिप्शन से ही पूरा कर लेते हैं। उनकी डिपेंडेंसी एडवर्टीजमेंट पे उतनी नहीं है जितनी इंडिया के अंदर है। बाहर के न्यूज चैनल डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी काफी हाई क्वालिटी बनाते हैं, ताकि जिन लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया उनको क्वालिटी कॉन्टेंट मिले। जो हाउस ऑफ कार्ड जो सीरीज है उसकी एक सीरीज की कॉस्ट 30 करोड़ रुपए है, वहीं बिग बॉस का एक एपिसोड 4 करोड़ के करीब बन जाता है और उससे ज्यादा व्यूअरशिप आती है बिग बॉस की। यूके के अंदर एक आदमी को टीवी चैनल देखने के लिए लाइसेंस लेना होता है, वो करीब होता है 159 पाउंड का, तो करीब 14,000 रुपए के लगभग पड़ता है। तो यूके के जो बीबीसी वगैरह हैं इनके पास इंडियन न्यूज चैनल के कंपैरेटिवली ज्यादा फंड्स होते हैं, इसलिए उनके कंटेंट की क्वालिटी भी ज्यादा होती है। तो देखिए, अभी तक के डिस्कशन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर हो या फिर टीवी चैनल्स, सबके सर्वाइवल के लिए एडवर्टीजमेंट कितना जरूरी है। और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है वो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एक कंपनी के कंपैरेटिवली गवर्नमेंट के पास हजारों स्कीम्स, ऑफर्स, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रमोट करने के लिए। जैसे सरकारी बैंक जो होते हैं उनकी अलग अलग योजनाएं होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अलग अलग टूरिज्म बोर्ड्स, रेलवे, सरकारी इंडस्ट्रियल्स, माइनिंग कंपनीज, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कि सरकारी होते हैं और ये इनको करवाने होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के टाइम पे ऐड करती हैं वो अलग है इससे। हमने भले लास्ट लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हों, भले हम पूरे वर्ल्ड में इलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हों, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा पैसा हमारी गवर्नमेंट को अपनी अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए खर्चा करना होता है। तो इसलिए जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत के पावर में आती है तो उसके हाथ में ये पावर होती है कि एडवर्टीजमेंट किसको देना है। तो मोटा मोटी आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसीज, टीवी चैनल्स की सबसे बड़ी कस्टमर है, यानी कि ग्राहक है। और ये हमेशा से चलता आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पहले की गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके अगेंस्ट में जब भी न्यूज मीडिया लिखता है तो उनके एडवर्टीजमेंट बंद हो जाते हैं। जैसे 2019 के इलेक्शन के टाइम पे जो द हिंदू न्यूज़पेपर था, उसने रफाल डील में कई सारी इररेगुलरिटीज हुई थी, उसको लेके बीजेपी के अगेंस्ट में एक सीरीज चला दी थी। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सीरीज चलाई थी जिसमें उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे पीएम मोदी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करने पे खबरें चलाना स्टार्ट कर दी थी। और फिर जब 2019 में गवर्नमेंट जीत के आई तो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, द टेलीग्राफ और एबीपी, जिसको आनंदा बाजार पत्रिका कहते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट बंद कर दिए थे। ये कहना था अधीर रंजन चौधरी का, जो कांग्रेस के लीडर थे। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में खड़े होकर बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट ये जानबूझ के कर रही है, और ये भी बोला कि बीजेपी ने डीएवीपी जो डिपार्टमेंट है उसको बोल के एडवर्टीजमेंट बंद करा दिया, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग करी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के एमडी विनीत जैन को मल्टीपल चक्कर लगाने पड़े पीओ में, तब जाके दोबारा से एडवर्टाइजमेंट मिला उन्हें। अब कांग्रेस के लीडर बीजेपी को तो बोल रहे थे, लेकिन जब वो खुद पावर में थे तो वो खुद भी यही कर रहे थे। कांग्रेस ने 2014 के इलेक्शन से 3 साल पहले 2048 करोड़ खर्च किए थे, इसमें से 1318 करोड़ प्रिंट मीडिया पे और 729 करोड़ टीवी पे खर्च किए थे। और जो कांग्रेस का भारत निर्माण कैंपेन था उस पर भी कांग्रेस ने 2010 से 2014 के बीच में 421 करोड़ खर्च किए थे, और ज्यादातर एड्स उनको ही मिले थे जो कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खुल के नहीं बात करते थे, थोड़े सॉफ्ट रहते थे कांग्रेस के लिए। आम आदमी पार्टी का भी वही हाल है। पंजाब के अंदर अजीत समाचार सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबारों में से एक है। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए वादे पूरे नहीं किए तो उन अधूरे वादों की रिपोर्ट अजीत समाचार के एग्जीक्यूटिव एडिटर सतनाम सिंह मानक ने अपने न्यूज़पेपर में छापनी शुरू कर दी। तो जब उन्होंने ये सब स्टार्ट किया तो अभी यही 2023 के स्टार्टिंग में आम आदमी पार्टी ने ये जो न्यूज़पेपर है अजीत समाचार, इसके पहले डिस्प्ले ऐड बंद करवा दिए, फिर जो टेंडर वाले एड्स थे उनको बंद करवा दिया, और जो गवर्नमेंट के प्रेस नोटिस वगैरह आते थे जो सबको मिलते थे वो भी बंद करवा दिए। अब अजीत समाचार जो न्यूज़पेपर है उसको फाइनेंस मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही है, और आज की डेट तक इनके ऐड दोबारा से नहीं चालू किए गए। आम आदमी पार्टी ने सेम यही
चीज पंजाबी ट्रिब्यून के साथ भी की थी, लेकिन वो जल्दी समझ में आ गया उनको, तो उनके एड जो थे वो शुरू कर दिए गए थे। लेकिन अजीत समाचार के एग्जीक्यूटिव एडिटर सतनाम सिंह जो है वो खुलेआम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जिन मुद्दों पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसको इनडायरेक्टली करने के लिए मना किया गया, और अगर हम ये करते रहेंगे तो हमें ऐड कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लें तो अप्रैल 2020 और मार्च 2021 में एक साल के अंदर 160.31 करोड़ सिर्फ टीवी ऐड पे खर्च किए गए। इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा था वो नेटवर्क 18 को मिला, और मार्च 2022 के आसपास ये फंड मिला था। और उसके बाद से आप अगर रिपोर्टिंग देखोगे नेटवर्क 18 की, जिसमें अमीश देवन के आप अगर इंटरव्यू वगैरह देखोगे, रिपोर्टिंग देखोगे, तो ये सब आपको न्यूज करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए, इंटरव्यू लेते हुए अपने जो एडवर्टाइजर हैं उनके खिलाफ सॉफ्ट दिखेंगे। और इस पूरे खेल में जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है वो सबसे एक कदम आगे है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बायो डिकम्पोजर लॉन्च किया। इसको इंप्लीमेंट करने में 2020 से 2022 तक जो टोटल खर्चा आया था वो 68 लाख रुपीज आया था, और इन्होंने इस प्रोजेक्ट के एडवर्टीजमेंट में 23 करोड़ रुपए लगा दिए। अब देखिए, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं इनके एड्स तो मिलते ही हैं न्यूज मीडिया को। इसके साथ साथ डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी DAVP जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, और इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, इसके थ्रू भी गवर्नमेंट चाहे तो पैसा दे सकती है। जैसे 2018 में इंडिया में पब्लिक एडवर्टाइजिंग के नाम पे 7.8 बिलियन यूरो गवर्नमेंट ने खर्च किए। तो यही सारे रीजन है कि एक न्यूज मीडिया हो या न्यूज एजेंसी हो, न्यूज पेपर हो, ये पूरी तरीके से इन एड्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं। और इसीलिए जो अखबार पहले छप के बिकते थे वो आजकल बिकने के बाद छप रहे हैं। और यही नहीं, जब इलेक्शन पास में आने वाले होते हैं तो सारे न्यूज मीडिया वाले सही से रिपोर्टिंग करें, इसके लिए गवर्नमेंट एड्स के जो पैसे होते हैं उनको बढ़ा देती है। जैसे कंपनी के अंदर ईयरली अप्रेजल होता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो इलेक्शन टू इलेक्शन इनके भी अप्रेजल होते हैं डिपेंड ऑन कि किस तरीके का वो फेवर कर रहे हैं। जैसे 2019 का इलेक्शन जब पास आने वाला था तब प्रिंट मीडिया को जो गवर्नमेंट एड से पैसे मिलते थे उसको डायरेक्ट 25% बढ़ा दिया था, और उसके कुछ दिन बाद प्राइवेट टीवी चैनल जो थे उनके एडवर्टाइजिंग राइट जो थे उसको 11% बढ़ा दिया था। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है इससे पहले जो न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज चैनल्स हैं, इनके जो रेट्स हैं वो फिर से बढ़ाए जाएंगे। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो गवर्नमेंट एड्स की बात कर रहा हूं मैं, जब इलेक्शंस पास में आने वाले होते हैं तो जो न्यूज मीडिया है उसके दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में होते हैं। ये जो अलग अलग इंडिविजुअल पार्टीज वगैरह होती हैं, इनके झंडे टोपी ये सब दिखाने के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC, इसका एक डेटा है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी एड्स पर पैसे खर्च करने में टॉप 10 में है, और बीजेपी कांग्रेस से भी आगे है। बीजेपी ने 12th ऑफ नवंबर 2018 से 16th ऑफ नवंबर 2018 तक 22,099 टाइम्स टीवी पे ऐड चलाए, जो पूरे इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट एडवर्टाइजर है उससे भी डबल था। ये चार्ट भी देख लीजिए, लैंग्वेज वाइज टीवी चैनल्स को कैसे पैसे बांटे जाते हैं। शुरू में मैंने न्यूज एजेंसीज के बारे में बात किया था जो इतनी पावरफुल होती है कि इनके खुद के सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट ऐड पे इनकी भी डिपेंडेंसी होती है। आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे पीटीआई इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, इसने 2020 में गलवान वाला जो इशू चल रहा था इसने चाइनीज एंबेसडर का इंटरव्यू लिया इंडिया के अंदर ही। अब देखिए, जो चाइनीज एंबेसडर है वो चाइना का ही महिमा मंडन करेगा और इंडिया की कमियां गिनवाएगा, तो उसने वैसे ही किया। लेकिन पीटीआई जो इंटरव्यू ले रहा था उसने हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे। अगर आप वो इंटरव्यू देखोगे तो इधर से पीटीआई वाले कुछ काउंटर ही नहीं कर पा रहे थे, खाली 3 बेसिक क्वेश्चन पूछे उन्होंने और साफ लग रहा था जैसे पहले से ही वो क्वेश्चंस डिसाइडेड हो। और जो चाइनीज एंबेसडर था वो बैक टू बैक कमी निकाल रहा था इंडियन गवर्नमेंट की और इंडिया की बुराई कर रहा था। अब इसका जो नुकसान था वो गवर्नमेंट का हुआ। एक तरफ गवर्नमेंट रही है कि 1 इंच जमीन भी हमने नहीं दी है अपनी, हमारी कोई गलती नहीं है, और उधर चाइनीज एंबेसडर इतने बड़ी न्यूज एजेंसी, पीटीआई बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसके सामने इंडियन गवर्नमेंट की बुराई कर रहा है। गवर्नमेंट को यह बात अच्छी नहीं लगी। उनका कहना था कि चाइना जो है वो तो इंडियन एंबेसडर को कभी अलाउ नहीं करता इंटरव्यू के लिए, और पीटीआई की वजह से देश की जो इमेज है वो खराब हुई है। तो अब इसके बाद हुआ क्या, देखिए पीटीआई का जो मेन कस्टमर है वो है पराशर भारती जो है उससे इतना पैसा लेती है। आरटीआई एक डाली गई थी तो उसमें पता चला था कि इतना पैसा लेती है, ये उस आरटीआई की कॉपी है। तो इसके बाद पराशर भारती ने लेटर लिखा पीटीआई से और कहा कि जो आप कर रहे हो इसके बाद हमें अपने रिलेशन जो है वो रीइवैल्यूएट करने होंगे। और इस इंसिडेंट के बाद आप अगर देखोगे तो जो बाकी की न्यूज एजेंसीज हैं जैसे ANI वगैरह है, इनको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलने लगी। सारे मिनिस्टर्स के जो इंटरव्यू हैं वो ANI पे मिलने लगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट इनको हैंडल करती है। देखिए, न्यूज चैनल्स को सर्वाइव करने के लिए काफी कुछ करना होता है। और मान लीजिए आप पढ़ाई करके एक न्यूज चैनल को ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि हम सच्चाई का आईना दिखाएंगे, हम ये सब रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो दूसरे ही दिन आपको हटा के किसी और को जगह दे दी जाएगी। और बाकी कहीं भी अगर आप जॉब करेंगे तो बाकी न्यूज चैनल के साथ भी तो वही है, तो आपका जो करियर है वही दांव पे लग जाएगा। और जो न्यूज चैनल रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ज्यादा रहते हैं तो प्राइवेट कंपनीज जो है वो भी बचती है उनको एड देने के लिए, ताकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे उनकी बात ना खराब हो जाए। अच्छा, ये जो एडवर्टीजमेंट का पूरा गेम है इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट को
उल्टा चूना भी लग जाता है। ये जो अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता वगैरह होते हैं जो अपनी प्रोफाइलों में समाज सेवक वगैरह लिख के घूमते हैं, तो ऐसा भी केस हुआ है कि कुछ सिचुएशन में कार्यकर्ता अपनी पार्टियों को भी धोखा दे देते हैं पैसा बनाने के लिए। 2015 में डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी DAVP ने एक ऐसे ही रैंडम इंक्वायरी की कि जो गवर्नमेंट पैसा देके ऐड करवा रही है ये किसको किसको जा रहा है, उसको चेक करने की कोशिश की। उन्होंने लाइन से एडवर्टाइजिंग लिस्ट जो थी उस पर नंबर मिलाना चालू किया, तो कोई नंबर तो लॉन्ड्री शॉप का निकला, कोई कॉल सेंटर का निकला। एक्चुअल में न्यूज़पेपर जो थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन गवर्नमेंट से ऐड के पैसे लेके ये जो समाज सेवक थे ये समाज भक्षक का काम कर रहे थे। अब देखिए होता क्या है कि अगर ऐड के पैसे से भी कुछ न्यूज एजेंसीज या न्यूज़पेपर कंट्रोल में नहीं होते हैं तो फिर गवर्नमेंट यूज करती है SLAP स्लैप स्ट्रैटेजी, यानी कि स्ट्रैटेजिक लॉ सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो जर्नलिस्ट या फिर न्यूज एजेंसीज इन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ या पॉलिटिशियंस के खिलाफ लिखते हैं या फिर उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनके खिलाफ बैक टू बैक केस फाइल किए जाते हैं डिफेमेशन के। और ये जो केस किए जाते हैं इनका मकसद जीतना या हारना नहीं होता है बल्कि परेशान करना होता है कि इतना हरास कर दो कि वो लिखना ही छोड़ दें। अब मान लो कि दिल्ली के अंदर कोई जर्नलिस्ट है और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनके अगेंस्ट में लिख रहा है, तो उसको एक जगह से नहीं बल्कि मल्टीपल जगह से उसके खिलाफ डिफेमेशन किया जाता है, जैसे चंडीगढ़, असम, अलग अलग जगह से उसके ऊपर डिफेमेशन केस किया जाएगा। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो एक IIPM करके एक इंस्टीट्यूट था जो हर जगह उसके ऐड चलते थे, जिसको अरिंदम चौधरी चलाते थे। तो इस इंस्टीट्यूट में एक दिक्कत थी कि ये इंस्टीट्यूट ना तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना तो इससे एफिलिएटेड था और ना ही AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ना ही इससे एफिलिएटेड था, लेकिन उसके बाद भी ये बच्चों से मोटा पैसा लेके डिग्री वगैरह दे रहा था। लाखों बच्चों का फ्यूचर इस पे दाव पे लगा था। तो 2005 में आउटलुक ने कहा कि IIPM अनएथिकल एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस कर रहा है, स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो दिक्कत में आ सकता है। और फिर इसके बाद IIPM ने इसी स्लैप स्ट्रेटेजी का यूज किया। IIPM ने आउटलुक के खिलाफ डिफेमेशन केस किया, फिर कैरावन मैगजीन है उसके ऊपर डिफेमेशन केस किया, उसके बाद करियर 360 उसके ऊपर, उसके जो पब्लिशर थे महेश्वर पेरी उसके ऊपर केस किया। और जब ये करते थे मल्टीपल केस करते थे, खुद एज अ कंपनी भी केस करते थे और इनकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज थे उनको भी पैसे देके उनसे भी केस करवाते थे। और जहां का जर्नलिस्ट होता था वहां से दूर केस किए जाते थे। मान लो दिल्ली का है तो उसके ऊपर जो केस हो गए वो चंडीगढ़, आसाम, अलग अलग जगह से होगी, ताकि जो जर्नलिस्ट है उसको पहले तो लॉयर ढूंढने में दिक्कत आए, फिर फाइनेंशियल बर्डन उसका बढ़ जाए, जहां वो एक लॉयर कर सकता था उसको मल्टीपल लॉयर करने पड़ेंगे। इस तरीके से हरास करना चालू किया। तो मोटा मोटी ऐसे समझिए कि एक जर्नलिस्ट या न्यूज एजेंसी की कॉस्ट इतनी बढ़ा दो कि वो आपके बारे में लिखना ही बंद कर दे। और यही सेम चीज IIPM के साथ भी हुई। इसने इतने केस बैक टू बैक करे और इतने सारे लोगों पे करे कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि कोई भी न्यूज एजेंसी इतना कुछ देखने के बाद भी लिख ही नहीं पा रही थी इनके खिलाफ। और आगे चल के ये लोग केस जीते भी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उतने टाइम तक ये लोग हरास हो चुके थे और जो खबरें थी वो बाहर आना बंद हो गई थी। और यही सेम स्ट्रेटजीज बड़ी कंपनीज जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं, ये न्यूज मीडिया और जर्नलिस्ट के खिलाफ यूज करती हैं अगर वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। जैसे अनिल अंबानी के खिलाफ बहुत सारी न्यूज आ रही थी, तो 2018 जनवरी के बाद फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग और इंडियन पब्लिकेशन जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द वीक, द ट्रिब्यून, NDTV इन सब के ऊपर बैक टू बैक केस किए, जब तक लिखना बंद नहीं किया इन्होंने। इसमें अडानी जी भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी 2017 में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली के ऊपर डिफेमेशन केस किया। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड ने न्यूज क्लिक वेबसाइट जो है उसके ऊपर केस किया। 3rd of August 2021 को अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने अहमदाबाद कोर्ट में इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर केस कर दिए। कई ऐसे फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी थे जैसे रवि नायर वगैरह, 19 अगस्त 2021 को उनके ऊपर भी डिफेमेशन केस कर दिए। और फिर ये ट्रेंड ऐसा चलता है कि जब तक केस होते हैं जब तक लिखना बंद ना हो जाए, और ये केस भी तभी बंद हुए जब लिखना बंद हो गया। और जब ये लोग केस करते हैं, चाहे बड़ा पॉलिटिशियन या बड़ा बिजनेसमैन, तो ये लोग बहुत ही बड़ा अमाउंट का केस करते हैं, जैसे 10,000 करोड़ का मानहानि का दावा। अब रूल ये कहता है कि जितने का आप केस करोगे उसका 1% आपको कोर्ट के अंदर जमा कराना पड़ेगा। मान लो आप 10,000 करोड़ का डिफेमेशन केस कर रहे हो तो आपको 100 करोड़ जो है वो कोर्ट के अंदर जमा करना पड़ेगा, इन केस वो आप केस हारते हो तो आपको देना पड़ेगा। अब केस आप जीतोगे आगे या नहीं जीतोगे तो किसी को नहीं पता, तो इतना अमाउंट तो कोई रिस्क पे डाल नहीं सकता। और जो इनकी इंटेंशन है वो भी केस जीतने हारने की नहीं है, इनकी जो इंटेंशन है वो परेशान करने की, इतना परेशान करो कि लिखना बंद हो जाए। तो इसका भी इन्होंने एक तोड़ निकाल रखा है कि जितने भी डिफेमेशन के केस ये लोग करते हैं सब गुजरात के अंदर से करते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में गुजरात एक ऐसी जगह है जहां पे मैक्सिमम फीस जो आप डिफेमेशन के लिए कर सकते हो वो 75,000 ही कर सकते हो। मतलब कि आप 10,000 का भी डिफेमेशन केस कर सकते हो, बस आपको 75,000 रुपए जमा करने हैं, तो ज्यादा अमाउंट रिस्क पे नहीं रहता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में केस हार भी जाए तो 75,000 रुपए चले जाते हैं। लेकिन सब
चीज़ों की वजह से इतना हरासमेंट होता है, इतने वकील लगते हैं, इतना ट्रैवल, इतना पैसा लगता है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है और जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं वो लिखना बंद कर देते हैं। तो ये स्लैब स्ट्रेटेजी है, ये भी यूज़ करते हैं लोग। अब एडवर्टीजमेंट का जो पैसा है उसको दे के भी अगर मीडिया कंट्रोल में नहीं आता है, डिफॉर्मेशन के केसेज जो हैं डरा धमका के उससे भी अगर मीडिया कंट्रोल में नहीं आता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसको खरीदने का। मीडिया कंसोलिडेशन के बारे में आप एक सर्च मारिएगा तो आपको पता चलेगा। इसमें बेसिकली ये है कि कुछ लोग पूरे मीडिया को कंट्रोल करके पूरे देश का ओपिनियन डिसाइड करते हैं। अब देखिए होता क्या कि बाकी इंडस्ट्री जो है उसके मुकाबले मीडिया कंपनीज जो हैं वो छोटी हैं, भले ही हजारों करोड़ कमाती हूं लेकिन उनके कंपैरेटिवली काफी छोटी हैं। 2007 और 2008 का जो इकोनॉमिक बूम आया था उसमें बाकी कंपनीज तो बहुत ज्यादा ग्रो करी, लेकिन न्यूज मीडिया कंपनी जो थी उनका जो बिजनेस मॉडल था वो उतना इफेक्टिव नहीं था, तो वो हमेशा कर्जे में ही रहती थी। और यही वो टाइम था जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन ये न्यूज़ मीडिया को खरीदना शुरू किया इन्होंने। इंडिया के अंदर जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनमें से 1/3 या तो पॉलिटिशियन ओन करते हैं या फिर बिजनेसमैन ओन करते हैं जो पॉलिटिशियन से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। और पहले के टाइम पे जब लोकल केबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था तो उस टाइम पे तो लगभग 60% लोकल पॉलिटिशियन जो थे वो उसको ओन करते थे। ये देखिए ये है पूरा चार्ट कि कौन किसको चलाता है। लेकिन ये भी इनफ ना हो तो मैं और बता देता हूं कि कौन सा न्यूज़ चैनल को कौन सा बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिशियन ओन करता है। ये लोग किसी एनजीओ या किसी समाज सेवा वाली कंपनी को ओन करें ना करें लेकिन इनका इंटरेस्ट न्यूज़ मीडिया में बहुत रहता। नेटवर्क 18, इसके पास CNBC आवाज, CNN न्यूज 18, न्यूज 18 इंडिया और CNBC टीवी 18 जैसे न्यूज चैनल्स हैं, और firstpost.com और moneycontrol.com जैसी वेबसाइट थी ये भी इनके पास थी। न्यूज 18 के पास तो फॉर्ब मैगजीन जो है उसको छापने तक के लाइसेंस थे इंडिया के अंदर। रिलायंस फैमिली के अगेंस्ट में न्यूज 18 जो था वो काफी अच्छा नहीं लिखता था, ये लोग रिलायंस फैमिली के काफी खिलाफ थे। और कई बार झड़प होने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो जनवरी 2022 में रिलायंस ने नेटवर्क 18 में 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और दो साल बाद 30th of May 2014 को रिलायंस ने नेटवर्क 18 का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया। अगर आपको याद हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अरविंद केजरीवाल मुकेश अंबानी के गैस डील पर सवाल खड़े कर रहे थे, वो रोज टीवी पे आके मुकेश अंबानी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे। अक्टूबर एंड नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि अंबानी के पास स्विस बैंक अकाउंट है जिसमें ब्लैक मनी है और रिलायंस इंडस्ट्री ने सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए केजी गैस वेल जो है उसमें प्रोडक्शन कम कर दिया है। इसके दो महीने बाद जनवरी 2013 में जिन न्यूज़पेपर ने केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनको लाइव ब्रॉडकास्ट किया था उनको रिलायंस के लॉयर्स ने लीगल नोटिस भेजे। क्वार्ट्ज इंडिया की एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से नेटवर्क 18 ने खरीदने के बाद और जब सारे एम्प्लॉइज ने रेजिग्नेशन मार दिया उसके बाद रिलायंस के एग्जीक्यूटिव ने नेटवर्क 18 के जर्नलिस्ट के लिए एक टाउन हॉल मीटिंग करी जिसमें साफ समझाया गया कि अब अरविंद केजरीवाल को न्यूज मीडिया के अंदर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह जो बाकी चैनल्स हैं उनमें भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का पैसा लगा है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया, इसी तरीके से बाकी जो न्यूज चैनल हैं उसमें भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का पैसा लगा है, जैसे कि इंडिया टुडे ग्रुप जो है जिसमें आज तक, इंडिया टुडे, ललन टॉप और न्यूज तक जैसे चैनल्स हैं, इसका 23.6% हिस्सा कुमार मंगलम बिरला और उनकी फैमिली ओन करती है। इसी तरीके से एशिया नेट न्यूज जो है उसको राजीव चंद्रशेखर ओन करते हैं जो बीजेपी से एसोसिएटेड है और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर। इन्होंने रिपब्लिक टीवी में भी शुरू में इन्वेस्ट किया था और डायरेक्टर भी थे, हालांकि अभी इन्होंने छोड़ दिया। जो मत है उसको दारदा फैमिली के विजय दारदा जो 3 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमपी भी बने हैं वो ओन करते हैं। ऐसे पंजाब में जो अकाली दल के प्रमुख हैं सुखबीर सिंह बादल और उनकी फैमिली पीटीसी न्यूज नेटवर्क को ओन करती है। इसके अलावा यही फैमिली केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी ओन करती है। पंजाब में तो ये केस और भी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि जिस चैनल को सीएम के बेटे ओन करते थे उसी चैनल को पंजाब की जो गवर्नमेंट थी वो सरकारी एड भी देती थी, और वो भी तब जब वो चैनल बिल्कुल जस्ट लॉन्च हुआ था, उसकी व्यूअरशिप वगैरह क्या है उसका कुछ पता नहीं था, उसके बाद भी उसको गवर्नमेंट एड मिले। 2008 में 3 चैनल थे, पीटीसी न्यूज, पीटीसी पंजाबी और पीटीसी चकदे, ये लॉन्च हुए और लॉन्च होते ही सरकारी एड्स मिलना चालू हो गए। न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज जो उनके रीजनल चैनल जो हैं वो हरियाणा के पॉलिटिशियन और फॉर्मर मिनिस्टर विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ओन करते हैं। जी न्यूज जो है उसको सुभाष चंद्र और उनकी फैमिली ओन करती है। 2016 हरियाणा में इनको बीजेपी का सपोर्ट था। और जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है सन टीवी, उसको कलानिधि मरन ओन करते हैं जो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के रिलेटिव हैं और डीएमके पार्टी को बिलोंग करते हैं। ये देखिए ये है पूरा चार्ट कि कौन किसको चलाता है। अब देखिए आधे घंटे तक मैं और भी बताता रहूंगा तो नाम खत्म नहीं होंगे। आप एक सर्च मारिएगा, कोई भी न्यूज चैनल है, आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉलिटिशियन कौन सा बिजनेसमैन उसके पीछे है। तो लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, AI और चैट GPT से सीख के अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए डू चेक आउट द वर्कशॉप वी हैव फॉर द फर्स्ट 1000 पीपल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।